अरे अरे जा कर रही हो? चाय पीने। अपन को ना सेठ सुबह सुबह चाय पीने बिना नहीं चलता। हाँ चाय इधर ही आ जाएगी, तुम बैठो। अच्छा सेठ एक बात बोलेगा, ये घर है ना फर्स्ट क्लास है एकदम, साला एक भी मच्छर नहीं है। अपन भी सालों को बोलेगा शादी बनाने में ज्यादा जल्दी मत कर, अपन भी साला मजा ले लेगा जिंदगानी का। खबरदार जो शालू के साथ अनशन बात की। तुम फिर चलाया कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा? हाँ। मैं चिल्ला नहीं रहा था, घबरा रहा था। पर इतना जोर से घबराने की क्या जरूरत है? कम इन, एक मिनट एक मिनट एक इधर खड़ी रहो ना। उधर बैठो उधर बैठो। कम इन। गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग मैम साहब। इधर इधर लो। तुम जा सकते हो। ये क्या बदतमीजी थी? सेठ अपन को इसलिए हंसी आया कि जिंदगी में पहली बार किसी ने अपन को मेम साहब बोला। मेम साहब। दूध कितना? भर दो। शक्कर? बस चार। बस बिना आवाज के चाय नहीं पी सकती क्या? सेठ बैकग्राउंड म्यूजिक के बिना चाय पीने का मजा ही नहीं है। सेठ वो किधर है? वो क्या? वो ही। हाँ वो बाथरूम वो उधर है उधर। थैंक यू। क्या मुसीबत है। ओ सेठ चिल्लाती क्यों? सेठ सेठ तुम्हारे जो नाने का कमरा है ना ये एकदम हाई क्लास है। आप उनको भी एक ऐसा नाने का कमरा रहने को मिल जाए ना तो जिंदगानी का मजा आ जाए। ओ गॉड तुम जल्दी से नहा कर निकलो। हाँ। शालू हमारा नाश्ते के लिए इंतजार कर रही है। सेठ सेठ अब क्या हुआ? बस एक और बात सुन लो ना सेठ, ऐसा नाने का कमरा है ना हमने फिल्म में बहुत देखा लेकिन जिंदगी में पहली बार नाने का मौका मिला, बड़ा मजा आएगा। मैं नीचे जा रहा हूँ। हाँ। तुम भी जल्दी से नहा कर नीचे आ जाना। अच्छा और सुनो मुझे सेठ मत पुकारना। फिर क्या बोलूं सेठ? शालू तुम्हें अपनी भाभी समझती है। हाँ। तुम मेरी पत्नी की एक्टिंग करो। पत्नी की एक्टिंग? आप उनसे नहीं होएगा। फिर तुम सिखाएंगे ना तो आप सीख लेंगे ना। ओ गॉड ये रंजीत ने मुझे कहां फंसाया? क्या बोला? कुछ नहीं कुछ नहीं। मैंने सुना है कि नवीन नवेली दुल्हन बहुत कम बोलती है और बहुत ज्यादा शर्माती है। शर्माना तो आप उनको बचपन से हिच नहीं आता। तुम सिखलाएंगे ना तो अपन वो भी सीख लेगा। फिर भी अपन दो तीन एक्शन बताते हैं स्टाइल तुम बताना ठीक है कि नहीं? नहीं। ऐसे? नहीं। ऐसे? नहीं। 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 ये सर मैंने तो अपनी बस की बात नहीं है सेठ। मैंने कहा ना मुझे सेठ मत बुलाया करो। तो फिर क्या बोलो सेठ? हजार तरीके हैं मुझे पुकारने के, जैसे कि जो जी में आए मुझे पुकारा करो लेकिन मुझे सेठ मत पुकारना। चलो जाओ। हाय। हाय नहीं हाय। किस मुसीबत में फंसा दिया तुमने मुझे? मुसीबत? अम्मा और क्या, तुम कोई कायदे की लड़की नहीं चुन सकते थे? अरे बोलती तो लगता है कि लाठी मार रही है। कौन लाठी मार रही है भैया? नमस्ते रंजीत भाई। हमारे क्लब में मिसेस शुक्ला हैं, उन्हीं की तारीफ हो रही है। भाभी कहाँ हैं? हम तो बहू जी पंखा लेके खड़े हो जाए हैं जब हमारा मर्द खाने पर बैठे हैं। अच्छा हाँ ये घर का तौरते का हमें पता नहीं। लो पान अपन को तो पंखा चलाना आता ही नहीं। अरे इमी का मुश्किल है, लो हम बता दें। एसन एसन। हाँ नमस्ते भाभी। जय हिंद। अरे अरे ये क्या कर रही हो? वो अपना लच्छा भाई है ना उसने बोला कि जब मर्द लोग खाना खाए तो पत्नी लोग ऐसा खड़ा रखे ऐसा पंखा मारता है। आप उस कवार के कहने में कहाँ आगे भाभी, आइए बैठिए यहाँ पे। हाँ बैठो। नाश्ता शुरू कीजिए ना भाभी। हाँ
ए, जरा मास्क मार देना प्लीज। जी लीजिए। हाउ मच शुगर भाभी? आधा चम्मच। नहीं नहीं, आधा और 3.5 चम्मच, यानी 4 चमचे। हाँ सालू, बम्बई तो चमचों का शहर है। ला। भाभी अब तुम इस रोल में परफेक्ट हो गई हो। थैंक यू। अरे वाह, क्या परफेक्ट अंग्रेजी बोली है। हाँ ये क्या, आपने कोर्ट में शादी कर ली तो क्या हुआ, मैं बकायदा आपका ब्याह करूंगी, एक जबरदस्त रिसेप्शन होगा। हाँ हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दो, सारी बम्बई को इनवाइट कर दो, टीवी में इश्तेहार दे दो, होर्डिंग्स लगवा दो के ऑल रोड्स लीड टू। गुड आइडिया, गुड आइडिया, मैं वो भी करूंगी। आइए भाभी, हम दूसरे कमरे में चलकर प्रोग्राम बनाते हैं। अरे लेकिन नाश्ता वहाँ आ जाएगा। इनके चेहरे पर तो भगवान ने इस्त्री कर दी, मुस्कुरा ही नहीं सकते। हाँ ऐसे ही लगता है। अब और छपवाओ कार्ड, ये ब्राइट आइडिया आपका था ना, अब मैं क्या इस गवार से। तुम भड़बड़ाते ज्यादा हो, ये आइडिया मेरा था, मैं संभालूंगा, तुम नाल पीले क्यों हो रहे हो।